हाय, दिस इज उमा शंकर भारद्वाज फ्रॉम मेंडो सफारी और ये एक्सपो 2020 की सीरीज है। इसमें बहुत सारे वीडियोस हैं, आप देखिए। और इस वाले वीडियो में मैं आपको फिजी के पवेलियन में लेके चलता हूँ और बहुत ही सुंदर पवेलियन इन लोगों ने बनाया हुआ है और फिजी के बारे में बहुत सारी डिटेल्स भी आपको मैं बताने वाला हूँ। तो सबसे पहले मैं आपको दिखाता हूँ कि फिजी पूरी दुनिया में है कहाँ। तो ये साउथ पैसिफिक ओशियन का पार्ट है फिजी, और इसकी जो कैपिटल है ये सूबा है, और जो सूबा कैपिटल है ये मेजरली इसमें कुछ 300 आइसलैंड्स हैं पूरे जो फिजी है इसके 300 आइसलैंड हैं छोटे बड़े, जिसमें मेजर दो आइसलैंड्स हैं विटी लियो और वानुआ लियो, जिसके अंदर विटी लियो के अंदर ये सूबा कैपिटल है और जिसके अंदर मैक्सिमम जो पॉपुलेशन है ये इन्हीं दो आइसलैंड के। ये देखिए, ये साउथ इंडियन स्टाइल में टेंपल भी देख सकते हैं आप। और इस कंट्री में बहुत सारे इंडियंस रहते हैं, मतलब इतने इंडियंस रहते हैं कि एक चौधरी महेंद्र पाल जो हैं वो पहले यहाँ के राष्ट्रपति भी रह चुके हैं कुछ दिन पहले, और वो इंडिया भी आए थे और उन्होंने खोज करने की कोशिश की थी क्योंकि उनके जो पूर्वज थे वो बिहार से बिलोंग करते थे। तो इस कंट्री में जब अंग्रेजों का राज था पूरी दुनिया पे, तो इस कंट्री में अंग्रेज जो है वो इंडियंस को कुछ लोग कहते हैं कि स्लेव्स की तरह लेके गए थे। ये ऊपर जो दिख रहा है इसके राइट साइड में ऊपर की तरफ, ये दूसरा आइलैंड है, जिन इन दोनों आइलैंड पे सबसे ज़्यादा मैक्सिमम पॉपुलेशन रहती है। तो मैं आपको बता रहा था कि जो लोग हैं इंडियंस लोग, कुछ लोग कहते हैं कि स्लेव्स की तरह अंग्रेज उन्हें लेके गए थे, और मैक्सिमम लोग मानते हैं कि उन्हें गन्ने की खेती करने के लिए लेके गए थे। तो इंडियंस वहाँ जाके कुछ गन्ने की खेती करने का ठेका वगैरह लेते थे और वो वहाँ जाके रहने लगे थे, और जब पूरी दुनिया से अंग्रेज गए तो वो वहीं सेटल हो गए। और अभी बहुत बहुत ज़्यादा संख्या में वहाँ पे इंडियंस रहते हैं। आप समझ सकते हैं कि अगर राष्ट्रपति एक इंडियन वहाँ पे रहे हैं महेंद्र पाल चौधरी, तो इसका मतलब कितने इंडियंस होंगे। चलो पवेलियन के अंदर चलते हैं और मैं आपको दिखाता हूँ कि, और बहुत अच्छे से जैसे आप देख सकते हैं कि ये पूरा जो कंट्री है समुद्र के बीच में है, समुद्र से घिरा हुआ है। तो इसके जितने भी प्रोडक्ट हैं वो डेफिनेटली आप देखेंगे कि वो उसी हिसाब से होंगे। और ये कंट्री काफ़ी, मैं कभी गया नहीं लेकिन ये देख के बिल्कुल मॉरिशियस जैसा फील दे रहा है मेरे को। और ये देखिए, ये लोग देखने में भी मतलब वही हम लोगों की तरह इंडियंस देख रहे हैं। यहाँ समुद्र के किनारे बहुत सारे, मतलब फिजी के अंदर एक तो म्यूजियम्स काफ़ी हैं और ब्रिटिश कॉलोनियल आर्किटेक्चर बहुत ज़्यादा है और मरीन लाइफ बहुत है यहाँ पे, और वाटर स्पोर्ट्स बहुत ज़्यादा होते हैं, और मतलब समुद्र के किनारे बहुत सारे बहुत अच्छे अच्छे सुंदर सुंदर बीचेस हैं। तो क्योंकि ये अफ्रीका और न्यूजीलैंड से भी मतलब थोड़ा आगे पड़ता है, तो इसलिए बहुत ज़्यादा हमारे यहाँ टूरिस्ट उतने ज़्यादा वहाँ नहीं जा पाते, लेकिन ये टूरिज्म के लिए बहुत अच्छा कंट्री है। तो आजकल इंडियंस तो फिर हर जगह जाते ही हैं। तो देख सकते हैं ये काफ़ी अच्छे से इन्होंने पवेलियन को बनाया हुआ है और काफ़ी प्लीजेंट लोग हैं। ये देखिए, शंख
कितना बड़ा संघ इन्होंने यहाँ पे लगा के रखा हुआ है। आई बिलीव दुनिया का सबसे बड़ा संघ हो गया भी। थोड़ा सा और ठीक से दिखाता हूँ मैं आपको। और काफी मतलब जो लैंडस्केपिंग है यहाँ की वो काफी हिली है। पूरी तरह से इंटरनेट से कनेक्टेड है ये कंट्री। काफी मतलब काफी डेवलपमेंट किया है इन लोगों ने। अच्छे अच्छे वाटरफॉल में एग्रीकल्चर मतलब गन्ने की खेती बहुत ही ज़्यादा होती है। जैसा कि मैंने बताया कि अंग्रेज यहाँ से इंडियंस को गन्ने की खेती कराने के शुगर केन जो बोलते हैं शुगर केन की फार्मिंग कराने के लिए लेके गए थे। तो अभी भी वहाँ पर गन्ने की खेती बहुत होती है। रोबोटिक एंड ऑल लाइक बहुत सारी लैब्स हैं इनकी। ये देखिए ये संख, मेरे ख्याल से मैंने इससे बड़ा संख कभी नहीं देखा है। और आई फील इट्स अ वर्ल्ड्स बिगेस्ट। अब ये समझ नहीं आ रहा ये आर्टिफिशियल है या एक्चुअल है। ये थोड़ा सा मतलब सोचने वाला विषय है। आई डोंट नो एक्चुअल तो लग नहीं रहा। एंड दीज गाइस टेलिंग मी लाइक इनकी मदर टंग क्या है। और बहुत लोग वहाँ पे हिंदी बोलते हैं किसी में, बहुत लोग हिंदी बोलते हैं, भोजपुरी भी बोली जाती है। और ही इज एक्सप्लेनिंग एवरीथिंग लाइक अबाउट डियर इंडियन पीपल एंड ऑल। So hope you like this video and thanks for watching. Thank you very much. Please like, share, subscribe. और subscribe तो कर ही लें, share तो कोई करता नहीं है वैसे भी। और bell icon दबाएं जिससे कि जो भी मेरे videos आते हैं उनके alert आपको मिलते हैं। Thank you very much.